जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबी डूबर। तो आपके लिए सबसे सुंदर कौन इस बात पे माता सीता ने सीधे बोल दिया। ये देखने का ऐसा लगा जैसे आज के जमाने में छेड़छाड़ करती हैं इससे पत्नियां, उसी प्रकार कुछ दिखाया गया। पति पत्नी के बीच का ये संबंध जो होता है वो वही दिखाया गया। कहां लग गया इतना टाइम आपको, दिक्कत हो रही थी क्या? कमल पुष्ट नहीं, प्रेम स्वाभाविक उनको हो जाना चाहिए आपसे, लेकिन तब भी सुंदर थी कि नहीं हमें तो ये जानना है। तो ठीक है, अच्छा लगा कि एक पत्नी जिस प्रकार से पति के साथ ट्रीट करती है वो नया नहीं है आजकल सबके लिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज दिखाई गई कि जो व्यक्ति को दिखता है वो उसी को सच मान देता है। कमल के पुष्प लेने गए हमारे प्रभु श्री राम जी, सुखनखा जी ने ये मान लिया कि उनको सबसे प्रिय वही हैं, तो मैं तो अब उसी की ड्रेस बनाऊंगी। अब मैं बनूंगी कमल पंखुड़ी वाली ड्रेस, पूरी नीचे से ऊपर तक वही कमल पहनूंगी, उसी से श्रृंगार करूंगी। ड्रेस नहीं, श्रृंगार की बात की ना, कान में मुझे तो उर्फी जावेद की याद आ गई। नहीं, कान और बाल की बात हो रही है। चलिए फिलहाल देखते इस वक्त श्री लक्ष्मण जी और माता सीता दोनों लोग जा रहे हैं सरोवर की तरफ, कॉम्पिटिटर भी आ रहे हैं, ताकि 11 कमल पुष्प पूरे कर सके साथ में। तो कितने होंगे 11? जवाब कमेंट बॉक्स में शुरू कर दे एपिसोड 162 पार्ट 1। भाभी आप यही ठहरिए, मैं कुछ आम लेकर आता हूं। ठीक है लक्ष्मण, तब तक तुम आम तोड़ लो, मैं सरोवर की ओर चलती हूं। मैं शीघ्र ही लौटता हूं। यदि मैं उनके लिए मार सकती तो इन पुष्पों को जीवित भी कर सकती उनके लिए। क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको टोका, किंतु इस प्रकार
पुष्प पर प्रहार करते हुए देखकर मुझे पीड़ा हुई और मैं स्वयं को रोक नहीं पाई। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रही थी? ये मेरे स्पर्श से कुमलाकर मृत हो जाते हैं। लाया हुआ कमल ये संकेत देता है कि कुछ भयावह और अनिष्टकर होने वाला है। मेघनाथ, उद्विग्न प्रतीत हो रहे हो, सब कुशल तो है? मैंने स्वयं पिताश्री को बाली की मृत्यु की सूचना दी, किंतु उन्हें विश्वास से नहीं। उनका कहना है कि बाली की मृत्यु इतनी सहजता से नहीं हो सकती, और वहां किष्किंधा में सुग्रीव के राज्य अभिषेक की तैयारी आरंभ हो गई, उसके पश्चात भी पिताजी को विश्वास नहीं हो रहा। यदि बाली की हत्या हो गई है तो मायावी को लंका लौट आना चाहिए था, परंतु वो नहीं लौटा। संभवतः यही कारण है लंकेश के संशय का। क्या तुमने पता किया मायावी लंका क्यों नहीं लौटा? संभवतः बाली के साथ युद्ध में वह वीर गति को प्राप्त हो गया। चंद्रा के द्वार पर एक विशाल शिला रखी थी, यदि वह जीवित होते तो शिला को हटा के निश्चित रूप से बाहर आ गए होते, किंतु उस कंदरा से ना ही बाली बाहर आया और ना ही मायावी मामा, केवल रक्त था। परंतु इस बात का कोई साक्षी नहीं कि मायावी और बाली दोनों मारे गए हैं। साक्षी, वहां किष्किंधा में सुग्रीव के राज्य अभिषेक की तैयारियां आरंभ हो गई, अर्थात बाली मारा जा चुका है, क्योंकि यदि बाली जीवित होता तो सुग्रीव का राज्य अभिषेक ना हो रहा होता। और किस प्रकार का प्रमाण चाहिए, और किस प्रमाण की प्रतीक्षा कर रहे हैं? बाली की मृत्यु की पुष्टि इतनी महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि बाली ही एकमात्र ऐसा राजा था जिसने लंकेश की विजय यात्रा को रोका था। इसके सामने लंकेश का बल भी कुछ परिणाम न कर सका। ऐसा क्या है उस वानर में कि हम उसे हरा नहीं सकते? लंका की संपूर्ण सेना उसे कुछ नहीं कर पाई और उससे ही हारकर वापस लौट आई। ये कितनी लज्जा की बात है नानाश्री, ये रावण का अपमान है। अब मैं स्वयं उस वानर राज से युद्ध करूंगा। नहीं लंकेश, अभी हमें बाली से सावधान रहना है। वो कोई साधारण वानर नहीं, उसके पास ऐसी शक्ति है कि उससे युद्ध करने वाले का आधा बल वो उससे छीन लेता है। उसे युद्ध से नहीं, नीति से जीता जा सकता है। इसीलिए मेरा सुझाव है कि अभी मित्रता का हाथ बढ़ाया जाए और उसके पश्चात बाली को परास्त करने की रणनीति पर विचार किया जाए। मित्रता? लंकेश को इतना दुर्बल, इतना कायर समझा आपने? नहीं लंकेश, मैंने आपको कायर या दुर्बल नहीं समझा, परंतु अभी बाली से युद्ध करना वीरता नहीं होगी और ना ही बुद्धिमानता। शत्रु के बल, पराक्रम और परिस्थिति अनुसार युद्ध की रणनीति बनानी चाहिए। जो
युद्ध में केवल विजय आवश्यक होती है लंकेश, केवल विजय, और वो चाहे जैसे और जिस विधि से आए। ये तो पाली को सोचना चाहिए था, मुझे लंकेश को चुनौती देने से पहले। प्रतीक्षा कर रही है। तो वो तुम हो जिसने लंकेश को चुनौती देने का साहस किया। अच्छा हुआ कि तुमने हमें पहचान लिया, मुझे अपना परिचय नहीं देना पड़ेगा। सेना के राजा स्वयं मेरे समक्ष, ये देखकर हमें बहुत आनंद आ रहा है। आनंदित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आज तुम्हें रावण से साक्षात्कार कराना है जो तीनों लोगों का स्वामी बनने जा रहा है। तीनों लोगों में राज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम कोई स्वप्न देख रहे हो। स्वप्न और यथार्थ का अंतर तुम्हें शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। निश्चय हम देखेंगे जब तुम्हारा स्वप्न चूर चूर हो जाएगा। तुम संपूर्ण संसार के स्वामी हो सकते हो, किंतु पाली के रहते हुए तुम किष्किंधा पर अधिकार नहीं कर सकते। सबके सामने पराजित होना चाहते हो या कहीं और? क्यों मेरी प्रजा को भयभीत कर रहे हो? नाना जी समझा रहे हैं आपके बाप किस लिए यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको उन्होंने 6 महीने तक काक में दबा के रखा हुआ था। तो बाली के सामने जाते ही यदि कोई उनको चुनौती देता था युद्ध के लिए, तो उनका बल आधा बाली के अंदर आ जाता था। और बाली को इस बात का बहुत अभिमान भी था, मेरे से कोई युद्ध नहीं कर सकता। ब्रह्मदेव से उन्होंने ये कहा कि क्या हनुमान में मेरे जितना सामर्थ्य है? कि हनुमान परम शक्तिशाली, आप लोग बताते, तो मेरे सामने आते ही तो उनका बल आधा हो जाएगा। तो यदि हनुमान मुझसे युद्ध करेंगे तो मैं देखना चाहता हूं कि मैं उसका आधा बल दूंगा, मुझसे जीत नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी ने कहा अपनी मृत्यु को दावत ना दे, ये आपके लिए अनिष्टकारी है। नहीं, मैं चुनौती देता। तो मल्ल युद्ध के लिए जैसे ही हनुमान जी को उन्होंने कहा, तो हनुमान जी का सुबह जब हनुमान जी सामने आए तो हनुमान जी ने यही कहा कि देखिए बल आधा आधा मत लीजिए, थोड़ा सा प्रतिशत में लीजिए। तो जैसे ही कुछ प्रतिशत में बल बाली के अंदर जाने लगा तो बाली के रगों में उबाल आ गया, उनकी नसें धमनियां सब फूलने लगी, उनके शरीर में उनको अपार ऊर्जा महसूस होने, केवल 1% या 2% ये स्थिति। उनको ऐसा लगने लगा कि मानो अभी मैं पूरी पृथ्वी को उखाड़ के फेंक दूं, समस्त जंगल को सर्वनाश कर दूंगा, इतनी ऊर्जा उनके। जब ऊर्जा और बढ़ने लगी तो ब्रह्मदेव स्वयं आए और कहे भाग जाओ वाली यहां से, नहीं तो इस ऊर्जा को संभालने के लिए जो शरीर की आवश्यकता है, जो संयम की आवश्यकता है, वो तुम्हारे पास नहीं है, वो ढांचा तुम्हारे पास। तो यदि अभी अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो यहां इस पर्वत से भाग जाओ। और बाली को उस मल्ल युद्ध को त्याग के भागना पड़ा था। इसीलिए जब हनुमान जी आसपास रहते तो देखते होंगे आप, कोई युद्ध नहीं होता, कोई 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 युद्ध नहीं, सब मैंने। रावण जो सबसे शक्तिशाली कहे जाते हैं, तो उन्होंने जब युद्ध किया बाली से तो वो परास्त हो गए, तो वो इस बात पे विश्वास कैसे कर सकते हैं कि मैं इतना शक्तिशाली होते उसको नहीं परास्त, मायावी ने इसे परास्त कर देगी, मायावी ने कैसे वध कर दिया, उनको ये जानने की इच्छा है। अगर वो कहते कि वो ऋषिमुख पर्वत पे लेके गए थे, वहां उनके सर के 1000 टुकड़े वो एक्सेप्ट हो जाता, लेकिन किसी कंदरा की गुफा कंदरा में युद्ध करके मायावी हराते, ये तो संभव नहीं हो सकता, मैं खुद जानता हूँ बाली को भाई। दूसरी ओर हमने देखा किस प्रकार से जो सुप्रकाश जी के मन में भावना है
वो पहचान गए, मलिन हो गए। हाँ, राक्षसी प्रवृत्ति होने के नाते, राक्षसी प्रवृत्ति क्या, राक्षसी गुण, राक्षस होने के नाते जैसे ही वो किसी पुष्प को छू रहे, वो पुष्प भी कुमला जाए। पुष्पों का संकेत देना कार्य है कि यदि वो किसी अच्छी जगह पे रहते हैं तो ज्यादा देर तक सुगंध बिखेरते हैं, यदि किसी मलिन जगह पे रहते हैं तो जल्दी से जल्दी मुरझा जाए। तो मन की मलिनता जो है वो स्पष्ट रूप से पुष्पों में देख। चलिए फिलहाल मित्रों इस एपिसोड पे करते हैं यही समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे।